हे गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज हम आपके लिए लेके आ गए फोर बैगी जींस। बैगी जींस का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा पहला बैगी जींस। सारे प्रोडक्ट हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे हैं। चलो भाई, इसके प्लास्टिक व्लास्टिक हटाते हैं और इसे खोलते हैं। ब्रांड का नाम जैक एंड जोन्स है और ये लूज फिट स्ट्रेचबल जींस है। इस जींस को फ्रंट से देखने पे यहाँ पे हमें बटन क्लेजर देखने को मिल जाता है। बटन में आपको जैक एंड जोन्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी 1990, और यहाँ पे आपको बेल्ट स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे। साइड में आपको दो कर्व पॉकेट देखने को मिल जाएंगे। जिसकी डेप्थ की बात करूँ तो डेप्थ अच्छा है, हाथ अंदर तक जा रहे हैं। और अंदर में जो कपड़ा यूज हुआ है ना, वो भी काफ़ी मोटा कपड़ा यूज हुआ है, एक अच्छी क्वालिटी के कपड़ा यूज हुआ है। और आपको यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉइन पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे इस तरह के आपको बटन के डिटेलिंग देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जींस के कमर पे देखने पे यहाँ पे आपको जैक एंड जोन्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 30 लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने 30 साइज ऑर्डर करा है, आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर लेना। ठीक इसी के नीचे यहाँ पे हमें ना जिप देखने को मिल जाता है। जिप की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी की जिप यूज करी गई है। YKK की जिप है और ख़राब होने के डर नहीं है, अच्छी क्वालिटी की होती है। और इस जींस को फ्रंट से देखने पर हमें यहाँ पे क्लीन लुक देखने को मिलता है, कोई भी तरह का स्टाइल देखने को नहीं मिलता है। जींस के नीचे जाने पे हमें यहाँ पे लेग ओपनिंग देखने को मिलता है। लेग ओपनिंग ऑब्वियसली आपको बड़ा मिलेगा, क्योंकि ये लूज फिट जींस है और इसका लेग ओपनिंग बड़ा होता है। और ये पहनने के बाद ना आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगने वाला है और इजीली स्ट्रेच भी हो जाता है। जींस के पीछे देखने पे हमें यहाँ पे जैक एंड जोन्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है सिंस 1990, और पीछे हमें दो पैच पॉकेट देखने को मिल जाता है। इसकी डेप्थ की बात करूँ ना, इसमें आपको एक अच्छा डेप्थ भी देखने को मिल जाता है और आपके वॉलेट वगैरह आराम से आ जाएंगे। साथ ही साथ इसके स्टिचिंग डिटेलिंग की बात करूँ ना, इसमें काफी अच्छे से स्टिचिंग करी गई है और आपको यहाँ पे कोई भी तरह से सूता निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। और इसके आप पॉकेट के ऊपर देखोगे ना, इस तरह से डबल स्टिचिंग करी गई है और इस तरह से बना हुआ है, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और इस जींस को पीछे से देखने पे हमें यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। इस जींस को बहुत ज्यादा सिंपल रखा गया है, और सिंपल चीज है ना बहुत ज्यादा वर्सेटाइल लुक देती है। अगर आप इसे सही चीजों के साथ पेयर करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा। यहाँ हमें जैक एंड जोन्स का टैग लगा हुआ मिल जाता है। इस टैग में इसकी प्राइस लिखी है 2,999 रुपए, लेकिन मैंने ये जींस लिया है 1,799 रुपए में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यह वाकई में एक अच्छा जींस है। फैब्रिक की बात करूँ ना, इसमें हमें कॉटन ब्लेंड मिल जाता है और फैब्रिक छूने में मोटा है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है। इस तरह के जींस को ना आप ओवरसाइज टी शर्ट और ओवरसाइज शर्ट के साथ यूज कर सकते हो, और नीचे स्नीकर यूज कर लो, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। पहनने के बाद देखें, ये जींस कुछ देखने में ऐसा दिखता है। ये लूज फिट जींस है तो मुझे प्रॉपर स्पेस दे रहा है, और इसकी फिटिंग भी मुझ में काफ़ी अच्छा आ रहा है, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये स्ट्रेचबल जींस है तो इजिली स्ट्रेच हो जा रहा है और देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एस्थेटिक लग रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जींस आता है वो आता है स्निच की ओर से, और ये एक जॉगर फिट ब्लैक कलर का जींस है। इस जींस को फ्रंट से देखने पे यहाँ पे हमें बटन क्लेजर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें बेल्ट लूप्स भी मिल जाते हैं। बटन में आपको स्निच की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको दो पैच देखने को मिल जाएंगे। ये कर्व पॉकेट है, और यहाँ पे ना इसकी डेप्थ की बात करूँ तो डेप्थ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं हाथ इतने ही अंदर जा रहा है, और इसमें आपको डेप्थ ज़्यादा नहीं मिलता है। इसमें हमें YKK की जिप देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा जिप है, और ये इजिली अप एंड डाउन हो जा रहा है। ये एक अच्छी क्वालिटी की जिप है। जींस के थोड़े नीचे आने पे हमें यहाँ पे दो बड़े बड़े पॉकेट देखने को मिल जाते हैं। पॉकेट देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और इसका जो क्लजर का स्टाइल है ना, आप देखोगे तो आपको यहाँ कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बटन क्लजर मिलता है। पहले आप इसे खोलोगे, फिर आप अपने सामान अंदर रख सकते हो, और ये देखने में ना काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ठीक उसी के नीचे यहाँ पे हमें दो हॉरिजेंटल सीम देखने को मिल जाते हैं, जो इस जींस का ना स्टाइल को और भी ज़्यादा इंप्रूव करता है। नीचे में हमें यहाँ पे लेग ओपनिंग देखने को मिल जाता है। लेग ओपनिंग की बात करूँ तो ये स्ट्रेचबल नहीं है, स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छा सा लेग ओपनिंग देखने को मिल जाता है। पैर आराम से अंदर बाहर हो जाएगा और आपको पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जींस के पीछे देखने पे यहाँ पे हमें दो बैक पॉकेट देखने को मिल जाता है। डेप्थ वगैरह अच्छी है, वॉलेट वगैरह आराम से आ जाएंगे। साथ ही साथ कमर में आपको यहाँ पे स्निच की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक टैग लगा हुआ मिलेगा, जिसमें आपको लिखा हुआ मिल जाता है बेगी फिट। स्टिचिंग डिटेलिंग की बात करें तो इसमें आपको प्रॉपर स्टिचिंग डिटेलिंग मिल जाएगी, कहीं भी आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसको ना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे स्टिचिंग करी गई है, और ये देखने में जबरदस्त लग रहा है। साथ ही साथ इसकी फैब्रिक की बात करें तो इसमें आपको प्योर कॉटन देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक छूने में मोटा है, और ये छूने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इस जींस को मैंने खरीदा है 1,550 रुपये में। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और ये अच्छी क्वालिटी की जींस है, अगर आप जाना चाहते हो तो इसके लिए जा सकते हो। पहनने के बाद देखें, जींस कुछ देखने में ऐसा दिखता है। पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसके जो पॉकेट के स्टाइल है ना, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं। और ये स्ट्रेचबल जींस नहीं है तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन बैगी जींस में आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, जो पहनने में कंफर्टेबल रहेगा, और ये देखने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एस्थेटिक लग रहा है। साइड से देख लो भाई, पॉकेट वगैरह का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये जींस पसंद आया तो आप इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की जींस है। ये रहा तीसरा जींस, चलो इसे खोलते हैं। तो ये भी स्निच की तरफ से आता है, और ये एक लाइट ब्लू रिलैक्स फिट जींस है।
इस जीन्स को फ्रंट से देखने पे यहाँ पे हमें बटन क्लोजर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें बेल्ट लूप्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे हमें एक अच्छी क्वालिटी की जिप मिल जाती है जो कि वाईकेके की है और इजीली अप एंड डाउन हो जाती है। कमर के पीछे देखने पे यहाँ पे हमें स्निच की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मैंने 30 साइज ऑर्डर करा है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और आपको फ्रंट में यहाँ पे ना दो कर्व पॉकेट देखने को मिल जाती है, एक छोटा सा कॉइन पॉकेट ठीक उसी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इसकी डेप्थ की बात करना, इसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी की डेप्थ देखने को मिल जाएगी। डेप्थ काफ़ी अच्छा है और हाथ अंदर तक जा रहा है, और अंदर की मटेरियल भी काफ़ी अच्छा यूज करा गया है जो कि पतला नहीं है और एक लंबा चलने वाला है। इस जींस के थोड़े से नीचे आने पे आपको यहाँ पे ना चार पांच जगह डिस्ट्रेस वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इसको ना डिस्ट्रेस करा गया है, और ये पहनने के बाद ना आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगने वाले हो। नीचे में हमें लेग ओपनिंग देखने को मिल जाता है। इसकी लेग ओपनिंग की बात करूँ तो एज कम्पेयर टू अदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मिलने वाला है, लेकिन डोंट वेरी, आपके पैर आराम से अंदर बाहर हो जाएंगे और आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये स्ट्रेचेबल जींस नहीं है। जींस के पीछे देखने पे यहाँ हमें स्निच की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ आपको बेगी फिट का एक छोटा सा टैग देखने को मिल जाएगा, और पीछे हमें दो बैक पॉकेट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। पीछे के जो पॉकेट हैं यहाँ भी आपको डिस्ट्रेस वर्क देखने को मिल जाता है, और इस वाले पॉकेट में यहाँ पर आपको डिस्ट्रेस वर्क देखने को मिल जाता है, और इसमें जो स्टिचिंग वगैरह करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करी गई है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक कॉटन ब्लेंड है, फैब्रिक छूने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड प्रीमियम है। और पैसे की बात करूँ ना तो ये जींस मैंने लिया है 1550 रुपये में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की जींस है। एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम डिस्ट्रेस जींस पहन के गांव गया था ना, तो लोगों ने बोला कि रास्ते में गिर गए थे कि आज जींस कैसे फट गई, फिर उनको बताना पड़ा कि नहीं ये नया स्टाइल है ऐसे ही होता है। फिर उन्होंने मेरे को काउंटर रिप्लाई करते हुए बोला अगर ये स्टाइल है तो हमारे सबके घरों में ऐसा मिल जाएगा। पहनने के बाद देखिए जींस कुछ देखने में ऐसा दिखता है, पहनने में काफ़ी ज़्यादा कूल एंड स्टैटिक लग रहा है, और इसकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डिस्ट्रेस है, आगे पीछे से आपको थोड़ा स्टाइल सा फील होने वाला है, और ये पहनने में भी कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल नहीं है लेकिन आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, और ये पहनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चौथे नंबर पे जो जींस आता है ये एक ब्लैक कलर का बैगी जींस है, और ये नायक फैशन की तरफ से आता है, तो चलो इसे खोलते हैं। इस जींस को फ्रंट से देखने पे यहाँ पे हमें बटन क्लोजर देखने को मिलता है, एक आपको सस्ती क्वालिटी की बटन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप बेल्ट लूप्स देखोगे ना, एक दूसरे से बेल्ट लूप्स अलग हैं क्योंकि ना इसके साइज़ वगैरह प्रॉपर करी नहीं गई है। फ्रंट में आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएगा, पॉकेट की डेप्थ की बात करूँ तो एक मोबाइल आराम से अंदर आ जाएगा, उतना डेप्थ दिया है। बाकी स्टिचिंग डिटेलिंग की बात करूँ ना, इसमें आप देखोगे ना ऐसा ओवरलैप सा कर रहा है सारा स्टिचिंग एक दूसरे से, और यहाँ पर जो स्टिचिंग है ना वो सीधी भी नहीं है, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। और यहाँ पे आपको ना जिप क्लोजर देखने को मिल जाता है, जिप में आपको यहाँ पे मिल जाती है एक प्लास्टिक की जिप जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, कभी भी टूट सकती है। ठीक नीचे आने पे यहाँ पे हमें दो फ्लैप पॉकेट देखने को मिल जाती है, नीचे आने पे हमें यहाँ पे मिल जाता है लेग ओपनिंग, लेग ओपनिंग इसका बड़ा है और पैर आराम से अंदर बाहर हो जाएगा। इस जींस को बैक से देखने पे यहाँ पे आपको दो बैक पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, एक पॉकेट आपको सेंटर में देखने को मिलेगा और दूसरा पॉकेट ना थोड़ा राइट की ओर देखने को मिलेगा, जो कि ना डायमेंशन वगैरह भी थोड़ी अच्छी नहीं है। फैब्रिक की बात करें तो इसमें आपको कॉटन ब्लेंड देखने को मिल जाएगा, फैब्रिक इतनी भी अच्छी नहीं है। तो ये जींस मैंने लिया है 499 रुपये में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हो। ये जींस अनबॉक्स करके मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई क्योंकि इसकी स्टिचिंग वगैरह बहुत बेकार करी गई है, और मैं इसके लिए ना आपको जाने के लिए नहीं कहूँगा, अगर आपको फिर भी जाना है तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। और ये जींस की साइज़ ना छोटी है तो मैं इसे पहन के दिखा नहीं सकता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि हम वहाँ पर ना बेटर डील प्रोवाइड करते हैं।